नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। दिल्ली की जो लोकसभा सीटें हैं, सातों सीटों का हाल हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और इसके लिए लगातार हम दिल्ली के हर जगह पर जाकर, हर चौक चौराहे पर जाकर आम लोगों की राय जान रहे हैं। और सवाल यही है कि आखिर इस बार किसकी सरकार देश में बनने जा रही है। भाई साहब, आपका शुभ नाम? युवराज। युवराज, किसकी सरकार बन रही है? मोदी की। वोट बन गया आपका? हाँ। बहुत लोग कह रहे हैं राहुल गांधी युवा है और इंडी गठबंधन भारी। अरे, राहुल गांधी को कॉमेडी वाला चाहिए सरकार के लिए। नहीं, अच्छा, तो देखिए युवाओं का ये सोचना है, कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। आप क्या मानते हैं, किसकी सरकार इस बार होनी चाहिए देश में? महागठबंधन की होनी चाहिए। महागठबंधन, वजह क्या है महागठबंधन? मोदी जी काम नहीं कर पाए? तानाशाही कर रहे हैं मोदी जी। क्या तानाशाही कर रहे हैं? बेरोजगारी कर दिया देश को, बेरोजगारी कर दिया। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, चारों स्तंभ गिरा हुआ है। बेरोजगारी है क्या? हम तो भाई रोजी भाई डेली काम करने वाला हूँ। काम है रोज? हम तो भाई रोज काम करता हूँ भाई। काम कर रहे हैं आप? काम तो बेकाम है। सावले पर आता है, साव मिस्त्री जाता है, सुबह ये यहीं पे हूँ और ये भी काम करने के लिए मैं खड़ा हुई हूँ। अच्छा, काम है आपके पास? हाँ है। बेरोजगार हो? काम कर रहे हैं भाई। काम कर रहे हैं? हम तो बेरोजगार है ना, तो हम तो बेरोजगारी का है। कैसे बेरोजगार है? वही रोजगार। अब अंकल की उम्र भी तो हो, अब अंकल करते अच्छे थोड़ी ना रहेंगे। अच्छा, अंकल की उम्र है तो अब अंकल को इन भाई से पूछ लेते हैं, बेरोजगारी है क्या? जी बेरोजगारी है। बेरोजगारी है? क्या होना चाहिए इस बार? क्या होना चाहिए इस बार राहुल गांधी की सरकार? पक्का 100%। एक अच्छी बात, दिल्ली से 4 सीटें जीतेगी आपके आम आदमी पार्टी। 400 बार मोदी सरकार। ये युवाओं की सोच है। ऑटो वाले से बात कर लेते हैं हम। इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए देश में? आप बता दो। आप बताओ। हमें कहा बता, आप बताओ। हम आपसे पूछ रहे हैं। कौन अच्छा नेता लगता है? राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी? अब क्या बताऊं, जो खिलाफ बोले उसे भी जेल। बिल्कुल, देखिए तो बहुत लोग जो है वो खुलकर नहीं भी बोलना चाहते हैं, लेकिन लोगों की राय आप लगातार समझ रहे हैं। हमारे साथ तिवारी जी जुड़ेंगे और इनसे भी बातचीत कर लेते हैं हम। देश में मुद्दा क्या है इस बार चुनाव का? देखिए, इस बार देश मुद्दा विहीन हो गया है। अच्छा। इसलिए मुद्दा विहीन हो गया है कि एक तरफ एनडीए ये समझती है कि मेरे सामने कोई है नहीं, और दूसरे तरफ इंडिया ये सोचता है कि इस बार तो मैं पार कर ही जाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ में बहुत सारी पार्टियां जुड़ी हुई हैं। जो मुद्दे इंडिया के हैं, उन मुद्दों को जनता कितना स्वीकार कर रही है, ये आप लोगों से अभी यहाँ इस, अरे देखिए 70 रुपया इसका कीमत है, इसका कीमत 70 रुपया है। ये आपको 40 रुपए में भी मिलेगा। भगवान नगर चले जाएंगे, 40 रुपए मिलेंगे, आश्रम में आपको 70 रुपए। वो एक आदमी के लिए ये 70 रुपए भी सस्ता है, और एक आदमी ऐसा है कि इसको केवल देख सकता है, वो खरीद नहीं सकता। अच्छा, ऐसी स्थिति है देश में? हाँ, ऐसी स्थिति है। अच्छा। ये इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए ये लोकसभा का जो चुनाव है, इसमें लोग ये देख रहे हैं कि हम अपना मत किसको दे। जनता कुछ कंफ्यूज है, दिल्ली की जनता खास तौर से, इसलिए दिल्ली की जनता कंफ्यूज है कि इंडिया गवर्नमेंट के साथ साथ जैसे केजरीवाल का जो अभी जेल के अंदर है, तो लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सिंपैथी वोट भी बन रहा है इससे, क्योंकि वो कोर्ट जो है वो पूछ रहा है। चलते हैं, कुछ लोग और हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और खासकर लोकल लोगों से हम बातचीत करने की सोच रहे हैं। इस सीट पर क्या लगता है आपको, किसको जीतना चाहिए, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। बहुत लोग कहते हैं गौतम गंभीर जो पहले सांसद थे वो आए नहीं कभी क्षेत्र में। नहीं, इस बार जो है जो कैंडिडेट है वो आरएसएस से रिलेटेड है, हर्ष मल्होत्रा जी जो है, और जो गौतम गंभीर थे वो भाई क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी हैं। उनके पास कहाँ टाइम है, वो अपने कमेंट्री में बिजी हैं। काम हुआ क्या अगर बात करें हम लोकसभा पूर्वी दिल्ली तो इस इलाके में काम तो बहुत हुए हैं। काम क्यों नहीं होते हैं, हर तरह के काम तो, तरक्की इस बीजेपी के राज में ही हो रही है, कांग्रेस के राज में थोड़ी रुकी रही तरक्की हुई है। कांग्रेस के राज में कोई तरक्की नहीं। कांग्रेस कहती है कि सारा काम तो हमने करके दिया, उन्हीं योजनाओं का नाम प्रधानमंत्री ने बदल दिया और काम कर रहे हैं। क्यों दिया? धारा 370 लगा दी है, वो हटाने का काम किसने करा? बीजेपी ने करा।
बड़े बड़े फैसले कौन ले रही है? बीजेपी ले रही है। देश सुरक्षित हाथों में है, बीजेपी के हाथों में है। बीजेपी के है तो बीजेपी सुरक्षित हाथों में है। देखिए, आम जनता की राय लगातार हम ले रहे हैं और यहाँ हमारे साथ एक मोची भाई भी है, इनसे भी बातचीत करेंगे। और इन लोगों की जो असल में समस्या अगर कहीं पर उत्पन्न होती है और लोग अगर बेरोजगारी महंगाई की बात करते हैं तो इन लोगों की राय सबसे बेहतर मानी जानी चाहिए। आपको क्या लगता है, बेरोजगारी है देश में, काम कैसा चल रहा है आपका? काम सही चल रहा है। काम सही चल रहा है। दिन में कितना कमा लेते हो? 600-700 कमा लेता हूँ। 600-700 दिन में कमा लेते हैं। रहते कहाँ? गरीबे रह लेते हैं, मतलब घर किराए पे रह के रह लेते हैं वहाँ पर, और ये काम वाम चल रहा है तो परिवार चल जाता है। परिवार चल जाता है। चल जाता है। लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है और बेरोजगार भरे पड़े हैं, महंगाई बढ़ गई है, आप क्या मानते हैं? क्या बोले, समझ बेरोजगारी है क्या? बेरोजगारी नहीं नहीं है। बिल्कुल, देखिए आप बेरोजगार ढूंढने से मिलेगा, बिना ढूंढोगे नहीं तो रोजगार मिलेगा नहीं। तुम बोल रहे हो कि बेरोजगारी नहीं है तो कहाँ से मिलेगा रोजगार? अच्छा, रोजगार ढूंढने से मिल जाएगा। और का भाई, तुम अब तुम्हें 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 घर बैठ जाओ, तुम्हें एक और मिल जाएगी। हाँ। ये बताओ, जब नौकरी ढूंढोगे तभी मिलेगी, वैसे मिल जाएगी। पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी बात कही है, तभी तुम्हें खबर मिल रही है, वैसे तो मिल जाएगी खबर। वैसे नहीं मिल जाएगी। ये रिक्शा चलाते हो जी? रिक्शा चलाते हैं। कैसा काम चल रहा है? मोदी सरकार, किसकी सरकार होनी चाहिए इस बार? मोदी सरकार का। अबकी बार 400 बार। अच्छा, अब तो वो बैटरी वाला रिक्शा आ गया, परेशानी तो हुई होगी। परेशानी होनी तो क्या है, कमाई वही है। कमाई वही है और क्या, उतने ही पैसेंजर पहले भी जाते थे, अब वही भी जाते। कहां से कहां तक चलाते हैं? भगवान नगर तक। यहां से भगवान नगर कितना किराया है? 30 रुपए। यहां से भगवान नगर 30 रुपए, एक सवारी बैठे या दो? 30 रुपए करेगा, दो सवारी के भी। दो सवारी भी हो तो 30 रुपए। तो देखिए, स्थिति वही है। लोगों का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी या तमाम जो मुद्दे हैं, इन मुद्दे पर अगर आप काम ढूंढेंगे नहीं तो काम मिलेगा कहाँ से? ये पेंटर है भाई साहब हमारे, और ये जो है यहाँ पर आप लेबर चौक भी कह सकते हैं, सुबह के समय काफी बड़ी भीड़ होती है यहाँ पर। भाई साहब, काम नहीं मिला क्या आज? काम मिला है जी। मिला है, आज काम कर रहे हैं। अच्छा, लंच टाइम है। हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है कैसी स्थिति है? क्या स्थिति है जी, रोज कमाना, रोज खाना है, और क्या है, 500-600 रुपया में होता क्या है? अच्छा, सही से कमरा किराया भी नहीं जुट पाता है। तो इस बार क्या आपको क्या लग रहा है, इस बार किसको चुनना चाहिए? देखो जी, जिसको चुनिए आप लोग, आप किसको चुनना चाहते हैं? देखो, वो भी कोई भी आवेगा, हमको तो दिलदारी करना है। स्थिति यही रहने वाला है, वो सुधरेगा थोड़े, आज 20 साल से जी है। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, क्या लगता है, बेरोजगारी है क्या? बेरोजगारी तो हमेशा ही रही है, बताओ कब खत्म हुई है? बताओ मुझे। राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार थी तो बेरोजगारी का जो रेपो परसेंट था वो कम था और अब बढ़ गई है। नहीं, बीजेपी में कम हुआ ग्रोथ। अच्छा, बेरोजगारी बीजेपी में कम हुई है? बीजेपी सरकार में बेरोजगारी कम हुई है, जीडीपी भी बढ़ी है। रोजगार समझने की जरूरत है। आप बिहार से आ गए और आपने समझा कि यूट्यूब से हम रोजगार कर सकते हैं, ठीक है? तो यूट्यूबर को प्रधानमंत्री ने बुलाया, वहाँ प्रगति मैदान में सम्मानित किया, कितने अच्छे अच्छे यूट्यूबर निकले। तो रोजगार बहुत सारा है, समझने की जरूरत है, काम करने वालों की जरूरत है। आप अंदर आ जाए, आप अंदर आ जाए। आपको क्या लगता है, लोगों की राय आप सुन रहे हैं, ना बेरोजगारी है, लोग कह रहे हैं ना बेरोजगारी है, यहाँ कोई फिक्स तो है नहीं? बेरोजगारी है, प्राइवेटीकरण है, प्राइवेटीकरण सब प्राइवेट है। प्राइवेटाइजेशन से क्या नुकसान, क्या है नुकसान है ना, उनकी लाइफ सुरक्षित नहीं है। जो कर्मचारी प्राइवेट नौकरी करता है उसकी लाइफ सुरक्षित नहीं, महीने भर में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल में, 2 साल में निकाल दिए जाते हैं। आपने मुझसे पूछा था मुद्दा क्या है, तो मैंने कहा बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं है। वास्तव में इस बार इसलिए कोई मुद्दा नहीं बन पा रहा है चुनाव में। देखिए, यहाँ पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए। पांडे जी, किसकी सरकार होनी चाहिए? भाई नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे आप, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। किसकी सरकार? अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल। वजह क्या है, केजरीवाल जेल में है या दिल्ली में काम हुआ है? काम हुआ है। काम क्या क्या काम हुआ, 2-3 काम बताएं। बहुत काम हुआ है, बस में माँ बहन को फ्री है। भैया, दिल्ली सरकार से नहीं चलता, देश केंद्र से चलता है भैया, देश इससे नहीं चलता, दिल्ली सरकार से। दिल्ली की बात कर रहे हैं हम, दिल्ली की बात कर रहे हैं। अगर केजरीवाल है तो सही है।
दिल्ली में केजरीवाल और देश में मोदी, दोनों यही चीज चाहिए। नहीं, दिल्ली में जो अच्छा काम करेगा, केजरीवाल ने काम कर रहा है, झूठ बोल लो तुम, एरो नहीं दे रहे यहाँ पे दिल्ली में आगे। दिल्ली में जो अच्छा काम करेगा, 200 यूनिट फ्री मिल रहा है मेरा, चाहे केजरीवाल बिल कम आ नहीं आ रहा। अरे भैया किसी आ रहा है नहीं आ रहा, तुम्हें पानी फ्री मिल रहा है नहीं मिल रहा, किसी रेंटल का काम है तो रेंटल भाई तुम अपने प्रॉपर्टी में क्या उससे मिडिल क्लास को क्या मिला, उससे रेंटल पे रहोगे तो तुम्हें कुछ भाई उससे मिडिल क्लास को क्या मिला, मिडिल क्लास का। देखिए इसीलिए मैंने कहा कि देश पूरी तरह से जो इस बार उत्साहविहीन मुद्दाविहीन उत्साहविहीन भेजे, मैं आप दोनों से सहमत हूं और इसीलिए यह चुनाव मैं मानता हूं कि पूरी तरह से मुद्दा विहीन है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई खास मुद्दा मिल नहीं बन नहीं पा रहा है। वो 1,00,000 रुपए देने की बात जहां कर रहे हैं, वहां पर यह भी बात खड़ी हो रही है कि पहले ऐसा नहीं हुआ, लोग विश्वास नहीं कर रहे। और ठीक देखिए ऐतिहासिक काम भाजपा सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 500 वर्षों पुराना सपना लोगों का शुरू हुई है। ये देखिए ताली भाई, बीजेपी सरकार थोड़ा युवा वर्ग पे फोकस करे, इस पे थोड़ी सी मोदी जी की सरकार पीछे है, युवा वर्ग पे बेरोजगारी ग्रोथ जो है, एजुकेशन फैक्टर में जाके बंदों को जॉब स्टेट बाई स्टेट मिलना चाहिए। दिल्ली में हमें रहने नहीं, एक तरह से दिल्ली हम स्टेट बाई स्टेट चाहते हैं। अब स्टेट बाई स्टेट तुम्हारे थोड़ा बस स्टैंड पर भी लोग हैं, हम लोग उधर राय ले लेते हैं लोगों की भी राय लेते हैं, ताकि ये आप लोगों को सीधा अनुमान लग सके कि इस बार आखिर होने वाला क्या है, देश में किसकी सरकार बन रही है। और खासतौर पर कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, इन लोगों से पहले जानेंगे, क्योंकि सबसे अच्छा और सटीक आकलन माता बहने ही दे सकती है इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए। हमें तो केजरीवाल ही अच्छे लगते हैं, केजरीवाल की होनी चाहिए। केजरीवाल की होनी चाहिए आप? मोदी सरकार होनी चाहिए। बिल्कुल, सरकार क्यों होनी चाहिए? उन्होंने अयोध्या के लिए काम किया है और वो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उसी के लिए, और जो देश में जो विदेशी लोगों से भी वहां से मिलके बातचीत करते हैं तो उसके लिए करना चाहिए। आपने केजरीवाल जी कहा, केजरीवाल में क्या अच्छा लगा? केजरीवाल बस अच्छा लगा, तभी बोल दिया बस, सब कुछ। केजरीवाल जी जेल में हैं, भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगाए गए हैं, कोर्ट में अब सिद्ध होना है ये पूरा मामला। सब भ्रष्टाचार सब वो भी कर रहे हैं, जो नहीं है वो भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। केजरीवाल को ही दोष दिया जाता है और जो दोष दे रहे हैं वो भी वही है। देखिए तो यहाँ औरतों वाले केजरीवाल जी को बनाने वाले, केजरीवाल जी जब हीरो बने तो औरतों वाले ने बहुत योगदान दिया। क्या खफा है केजरीवाल जी से या इस बार कुछ और होना चाहिए? केजरीवाल से ना तो खफा थे ना होंगे। अच्छा। जी क्यों? पढ़े लिखी सरकार चाहिए, पढ़ा लिखा ही वो शख्स है जिसने अब तक जो है देश हित के लिए और दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया है। मोदी जी कह रहे हैं बहुत काम हुआ, ऐतिहासिक काम हुआ, राम मंदिर बना, सड़कें बन गई। राम मंदिर को पहली बार थोड़ी बार, दिल्ली में बहुत मंदिर है सबके। अयोध्या राम मंदिर की बात है, कौन जा रहे हैं यहाँ से अयोध्या? बहुत लोग जा रहे हैं, जा रहे हैं, जो जा रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं, हिंदुस्तान जा रहे हैं हमारे, इसलिए वहाँ पे अयोध्या राम मंदिर में खाली पेट तो कीर्तन भी नहीं होता है, खा पी के भजन कहाँ होता है? खा पी के आप मंदिर जाते हैं? खा पी के आप मंदिर जाते हैं क्या? खा पी के मंदिर जाते हैं? मंदिर से ही मसला हल नहीं होता, सारे काम से सब सही होते हैं। आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, किसकी सरकार होनी चाहिए? अरे यहाँ झगड़ा करवाएगा भैया, झगड़ा की बात नहीं, हम लोग एक दूसरे की राय, कोई किसी से राजी है, कोई किसी से राजी है, जिसका जिससे मन है वैसे। अरे इसने केजरीवाल ने दिल्ली का बट्टा बैठा दिया, डीटीसी फ्री करके लेडीजों को डीटीसी फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, यानी हमें पेंशन तक नहीं मिल रही, पेंशन नहीं मिल रही, हाँ जी टाइम पे, अरे मेडिकल का पैसा नहीं मिलता, दिल्ली का बट्टा बैठा दिया केजरीवाल ने, मोदी सरकार होनी चाहिए। सब बढ़िया सर, जो जिसमें राजी है। चलिए कुछ और युवा हमारे साथ जुड़ेंगे, युवाओं का इस बार क्या मुद्दा है, क्या सोच के पोलिंग हो गया? रोजगार के, रोजगार क्या मतलब, बेरोजगारी के मुद्दे पर है? बेरोजगारी है, देखिए रोजगार के मुद्दे पर लोग कह रहे हैं, युवा वर्ग में फोकस जॉब का होना चाहिए। स्पोर्ट लैंड जो है अभी बड़ा ग्रस्त हो गया, स्पोर्ट लैंड 1.5 घंटा हो गया मुझे यहाँ खड़े खड़े, 400 में 150 मतलब कि समझ लो कितना सवारी यहाँ से चलेगी होगी 150 के आसपास, और 1.5 घंटे से ऊपर हो गया, 400 दशा ही नहीं, नहीं
कुल 410 बस डेढ़ घंटे से नहीं आई है। यहाँ लोगों की आप समस्या को समझ सकते हैं, ये तमाम परेशानियां हैं। और लोग कह रहे हैं को लेकर एक ये इशू है कि जो जैसे जनरल कैटेगरी के हैं उसके बेसिस पे नहीं, जो बच्चा पढ़ा लिखा है उसके बेसिस पे उसको एडमिशन मिलना चाहिए, यानी कि ओबीसी कोटे से या फिर एससी कोटे से है तो आप उसको एडमिशन कम मार्क्स पे भी दे देते हो, तो इससे जो पढ़ा लिखा बच्चा है, जो पढ़ा है, जिसके पास कैपेबिलिटी है, वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि राष्ट्र में सबसे बड़ा बाधक अगर कुछ है तो वो है आरक्षण, और जब भी कोई आरक्षण को खत्म करके और देश के सभी बच्चों को आगे बढ़ा करके देश को आगे बढ़ाने की बात करता है, आरक्षण आरक्षण की जो कैपेसिटी में आता है उसको आरक्षण, आर्थिक रूप से जो बिल्कुल गरीब है उसको आरक्षण, जो आरक्षण की कैटेगरी में आता है सही नहीं है, कैपेबिलिटी के बेसिस पे नहीं है रिजर्वेशन ना। आप ओबीसी एससी कैटेगरी ये देखकर तो आप एडमिशन दे रहे हो, पर कहां वो बच्चा जिसको जीरो है उसको आप 100% में पहुंचा रहे हो, और जो 100% वाला बच्चा इतना मेहनत करता है जनरल कैटेगरी वाला बच्चा उसको एडमिशन ही नहीं मिलता। ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाना, राजपूत के घर में पैदा हो जाना, भूमिहार के घर में पैदा हो जाना, लाला के घर में पैदा हो जाना, क्या वो गरीब नहीं होते हैं? केवल वही लोग गरीब होते हैं जिनका जो हर जाति और धर्म में गरीब है। गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए, गरीब के लिए आरक्षण होना चाहिए। कुछ और महिलाएं इधर हमारे साथ है। अच्छा आप बताइए, आप क्या मानते हैं किसकी सरकार होनी चाहिए? बीजेपी की। क्या वजह क्या है जो आपने सोचा हो बीजेपी को? केजरीवाल पसंद नहीं। केजरीवाल पसंद नहीं, राहुल गांधी वो तो पागल है। मतलब वो कह रहे हैं कि युवा है, युवा नेतृत्व होना चाहिए हमारे देश का लीडर, वो भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैडम ने कुछ गलत नहीं, नहीं वो अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना ओपिनियन है। मेरे को बीजेपी पसंद है तो मैं तो बीजेपी पसंद है तो बीजेपी के तरफ रुख। यहाँ संबल आप बोल रहे थे कि अभी आपने वो अयोध्या का देखा, सबने पूरा देश जानता, आपने संबल का देखा संबल का पीएम मोदी साहब योगी साहब, मैं उनके साथ में ही था उधर ही वहां पर उद्घाटन हुआ मंदिर का। उस मंदिर में मैं रात को 2:30 बजे पूरा मोहम्मद कल की मंदिर की मैं उधर ही था सर, मेरी ड्यूटी लगी थी डीडी न्यूज से, ठीक है सर। और आप बिलीव करना, मैं रात को 2:30 बजे अपना अंडरवेयर गारमेंट्स लेने गया मार्केट में, और मेरे को मिला खड़का के घर में। हाँ जी, रात को 2:30 बजे बिल्कुल। मतलब ये देखते हैं उत्तर प्रदेश में विकास बढ़िया, योगी जी क्या जबरदस्त वर्ल्ड। दिल्ली में भी है, दिल्ली में सारे लोग बाहर क्या यहाँ पे काम कर रहे हैं और कौन नहीं आ रहा, सारा बिहार यूपी सब यही आ रहा है। 10% है दिल्ली के अंदर, बाकी 90% बाहर का, और फुल एक्श मार रहा है, फुल एक्श मार रहा है दिल्ली वाला। तो भाई कह रहे हैं कि गरीब है, घंटे से भी खराब। ये देखो इनकी जेब में तकड़ा फोन, बढ़िया है घड़ी पहन के, अभी कह रहे कि हम घड़ी में बस में घूम रहे हैं, झूठ बोलने बस में घूम रहे हैं, जाने को तो फोन रख फोन रखने और रखने से टोपी पहनने से ये साबित नहीं होता कौन गरीब है कौन रईस है। सुनो इनाम कमाने के लिए दुनिया ये कर दिया वो कर दिया, तेरा मंगल सूत्र रख दिया, मोदी कहता ना सारा केंद्र ने सब कुछ किया, बस में फ्री है ना, फ्री नहीं फ्री इसका, फिर सब कुछ दे रहा बेचारा, 2 मिनट फ्री देते रहो, फिर ठीक है बहुत ही 400 150 बड़ी बात है, फ्री अपना घर नहीं चला सकता तो देश कैसे चला सकता, फ्री अपना घर नहीं चला सकता देश कैसे चला सकता, फ्री सभी चीज अच्छा नहीं होता, फ्री के सुनो अपना घर एक फ्री नहीं चलाएगा तो अपना देश चला सकता है, इसलिए फ्री सब अच्छा नहीं होता, कुछ चीजें ऐसा होता है कि फ्री नहीं होना चाहिए। देखिए इधर कुछ और महिलाएं भी हैं, इनकी राय ले लेते हैं। आपके हिसाब से इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए, आप बताइए किसकी सरकार आनी चाहिए? जी मैं तो ये चाहती हूँ जो महिलाओं का सम्मान करते हैं हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए। महिलाओं के लिए दिल्ली में केजरीवाल जी बस फ्री की जी, हमारे स्टेट में तो जो सबके सोचते हैं, जो सबके लिए अनुभूति करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जिसकी सरकार थी शीला दीक्षित की बीजेपी की थी, लेकिन उनने अभी तक इसी महिला को सोचा नहीं क्या करना क्या, लेकिन जब से केजरीवाल है वो हम लोग की सोचते हैं, महिलाओं के बहनों के बारे में सोचते हैं,
सोचते हैं, मैंने उनके दिल में है ना भाई, इनके लिए क्या है, मर्द तो अपने आप घूम लेते। मोदी जी कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मोदी जी कह रहे हैं। स्टेट तक वो सुविधा स्टेट तक तो नहीं आती, हम तक नहीं आती ना। सरकार देश के लिए मोदी चाहिए, मोदी चाहिए और दिल्ली के लिए केजरीवाल चाहिए, के लिए उनके टक्कर देने वाले केजरीवाल का टक्कर देने वाला कोई। आप अपनी राय मत दें, जो केजरीवाल काम करते हैं वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो आम पब्लिक को फायदा होता है वो सिर्फ केजरीवाल से ही होता है और किसी से नहीं। वो सोचते हैं अगर वो कुछ साल और रह जाए, हो सके और बड़े परिवर्तन आए हमारे दिल्ली में, और बड़ा परिवर्तन आए। शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हुई है ना, लेकिन आरोप भ्रष्टाचार का लगाना जेल में। देखिए भ्रष्टाचार कोई भी आज तक गंगा से धुले नहीं है, सब में कुछ न कुछ तो हुआ है, बीजेपी के कुछ नेता का हुआ है और भी नेताओं का कुछ हुआ है, और भी नेताओं के भ्रष्टाचार का आरोप है। ऐसा कोई बंदा है जिसके भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है? कोई ना कोई बात सबूत मिला बिना सबूत जेल में, बिना सबूत। पार्टी मेन लीडर हुई है ना, तो सुसोदिया हो गए ना, तो कह रहे सबूत मेन मालिक हुए ना, कह रहे तू शिक्षक ने पकड़ा सुविधा। आरोप तो लगाना, आरोप पे तो अच्छा, हम भी तो किसी पर प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते, ये इस मोदी को वो जो विदेश में चले गए। इधर कुछ महिलाएं हैं, आपके हिसाब से किसकी सरकार? भैया मुझे तो पता ना, जो आएगा वो अच्छा है हमारे लिए। तो आपको अगर करेंगे, हम तो यही चाहते, हम तो यही चाहते दिल्ली में तो केजरीवाल ही आना चाहिए, देश में मोदी जी हो जाए। 50 करोड़ पहले कांग्रेस थे, 50 करोड़ लेती थी, अब तो 1.5 करोड़ लिया मोदी ने। अब थोड़ा बात कर लेने दो, महिलाओं की राय ले ले, फिर आएंगे आपके पास। भैया दिल्ली में तो केजरीवाल ही कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, स्कूलों के लिए भी कर रहा है। अब देखो इतने सारे वो हॉस्पिटल खुलवाए वो भी बंद हो गए, किसी पर वो टेस्ट वगैरह नहीं है, वो फ्री कैसे करवाए? मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए, नहीं हो पा रहे टेस्ट, सब महंगाई है, महंगाई मानती है। मोदी कुछ नहीं कर रहा है, केजरीवाल बन रहा है, बल्कि पीएम तो बल्कि अच्छा है। देखिए लोगों की राय हम लोग लगातार ले रहे हैं, और पूर्वी दिल्ली सीट पर जो हाल है वो हमने दिखाने की कोशिश की। बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको हर लोकसभा के लोग यहाँ मिले और उन्होंने अपनी अपनी राय, अपने अपने वक्तव्य रखे। सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि देश के लिए लोग प्रधानमंत्री के तौर पर एक बार पुनः मोदी को देखना चाहते हैं, जबकि इस बार केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ साथ जो दिल्ली के आम मुद्दे है, दिल्ली में महिलाओं के लिए बस फ्री, साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो बिजली और पानी के मुद्दे हैं उन मुद्दे को लेकर भी लोग केजरीवाल को भी पसंद कर रहे हैं। इंडी गठबंधन और बीजेपी में दिल्ली में खासतौर पर जमकर मुकाबला देखने को मिल रहा है। बहरहाल होता क्या है ये तो 7 तारीख को पता चलेगा जब चुनाव के परिणाम आएंगे। आप बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 पर, देश भर के लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर अहम अपडेट को देखते रहने के लिए।